मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी। और उस चैप्टर का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हार्ट। और आज मैं आप लोगों को हार्ट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि हार्ट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग बनाते हैं हार्ट। तो हार्ट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात यह है कि हार्ट जो है एक हॉलो ऑर्गन होता है जो कि कॉनिकल इन शेप है। हार्ट जो है एक हॉलो ऑर्गन है, एक खोखला ऑर्गन है और वो कॉनिकल इन शेप है, यानी कि ट्रायंगुलर इन शेप होता है। तो हम लिख सकते हैं हार्ट इज हॉलो ऑर्गन विच इज कॉनिकल इन शेप, यानी कि शेप में वो कॉनिकल होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूँ हार्ट की जो लंबाई है वो लगभग 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो लगभग 9 सेंटीमीटर की होती है। यानी कि हार्ट का अगर साइज की बात करूँ तो एक क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि आपकी जो बंद मुट्ठी है उसके बराबर हार्ट की लंबाई चौड़ाई होती है। तो लेंथ की बात करूँ हार्ट की तो लेंथ है हार्ट की लगभग 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो है चौड़ाई जो है वो है उसकी 9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है आपका ह्यूमन हार्ट की अगर मैं वेट की बात करूं तो ह्यूमन हार्ट मेल और फीमेल में दोनों में ही अलग अलग वजन का होता है। जहां मेल हार्ट जो है लगभग 300 से 350 ग्राम का होता है, वहीं जो फीमेल हार्ट है वो लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। तो आइए इस चीज़ को भी लिख लेते हैं, ह्यूमन मेल हार्ट इज अबाउट कितना बताया मैंने, 300 से 350 ग्राम उसका वजन है, 300 to 350 ग्राम वेट है। और ह्यूमन फीमेल हार्ट इसका वजन जो है वो लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। ह्यूमन फीमेल हार्ट इज अबाउट 250 to 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ हार्ट के बारे में वो अगर मैं हार्ट की लोकेशन की बात करूँ तो हार्ट जो है लंग्स के बिल्कुल सेंटर में स्थापित होता है। ये कहें हार्ट जो है वो लंग्स के बिल्कुल सेंटर में इन बिटवीन है, ठीक है, थोरॉइक कैविटी में। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द टू लंग्स, इन बिटवीन द टू लंग्स इन द थोरॉइक कैविटी, इन द थोरॉइक कैविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं। हार्ट जो है एक खास मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है जो कि 3 लेयर्ड होती है और वो मेम्ब्रेन कहलाती है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो मैं लिख सकता हूँ हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाई ए थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन या सैक विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताई, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन खास प्रकार का लिक्विड सीक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हार्ट को फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो हम लिख सकते हैं द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड द फ्रिक्शन लेस मूवमेंट फॉर हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं। अब हार्ट की अगर बाउंड्री की बात करूँ, हार्ट की जो वॉल्स है ये तो मैंने अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बताई जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब हार्ट के अंदर हार्ट की जो बाउंड्री है वो कैसी होती है वो ध्यान से देखेंगे। हार्ट वॉल की अगर मैं बात करूँ तो हार्ट वॉल जो है वो 3 लेयर्ड होती है। हार्ट वॉल जो है वो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है। मैं लिख सकता हूँ इसको, हार्ट जो है वो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसमें कि हार्ट की जो एक्सटर्नल लेयर यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिकार्डियम। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिकार्डियम और मिडिल जो लेयर है वो कहलाती है मायोकार्डियम।
तो लिख सकता हूँ मिडिल लेयर इज कॉल्ड मायोकार्डियम, और जो इनर मोस्ट लेयर है इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं? इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। ओके स्टूडेंट्स, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आपकी कहलाती है एपिकार्डियम, जो मिडिल लेयर है वो कहलाती है मायोकार्डियम, और जो सबसे जो इनर लेयर है वो कहलाती है आपकी एंडोकार्डियम। अब अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं कि ये किससे बनी होती है, तो एपिकार्डियम जो है वो कंपोज्ड होती है मेसोथेलियम से। किसको बनी होती है? मेसोथेलियम से बनी होती है, जो कि हार्ट में स्मूथ या कह सकते हैं कि स्लिपरी टेक्सचर प्रोवाइड कराती है हार्ट को। क्या कराती है? फिर समझ लीजिए, एपिकार्डियम जो है वो बनी होती है मेसोथेलियम से, जो कि हार्ट को स्मूथ और स्लिपरी टेक्सचर प्रोवाइड कराती है। मायोकार्डियम की अगर मैं बात करूँ, तो मायोकार्डियम जो है वो कार्डियक मसल्स से बनी होती है। किससे बनी होती है? कार्डियक मसल्स से बनी होती हैं, जो कि हार्ट को पंपिंग करने में हेल्पफुल रहती हैं। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एपिकार्डियम जो है मेसोथेलियम से बनी हुई है, जो कि स्मूथ और स्लिपरी टेक्सचर प्रोवाइड कराती है। मायोकार्डियम जो है कार्डियक मसल्स की बनी हुई है, जो कि हार्ट को पंपिंग करने में हेल्प करती हैं। अब जो एंडोकार्डियम की जो इनर लेयर है वो बनी होती है एंडोथेलियम से। किससे बनी होती है? वो बनी होती है एंडोथेलियम से, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यूज है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यूज है। तो मैंने तीनों का फंक्शन आपको बता दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है चैम्बर। देखिए चैम्बर, यहाँ पे मैं बात करूँ कि हार्ट का जो पार्टीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स जो है हार्ट पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं ममल्स की बात करूँ, या जो रेप्टाइल्स की बात करूँ, या एम्फीबियन की बात करूँ, तो इनमें जो है मोस्टली 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। लेकिन अगर फिश वगैरह की बात की जाए तो ये डबल चैम्बर ही होते हैं। तो नाउ हम बात करने जा रहे हैं केवल ह्यूमन हार्ट की। तो हम ह्यूमन हार्ट चैम्बर की बात करें, तो ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, और जिसमें अपर जो चैम्बर है वो कहलाता है अट्रिया, और जो लोअर जो चैम्बर है वो कहलाता है वेंट्रिकल। तो मैं लिख सकते हूँ हार्ट हैज 4 चैम्बर, ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है, हार्ट हैज 4 चैम्बर, अपर चैम्बर्स इज कॉल्ड अट्रियम। क्या कहलाता है? ये कहलाता है अट्रियम। इसको ऑरिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑरिकल्स। और जो लोअर चैम्बर जो है ये कहलाते हैं वेंट्रिकल। लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अपर चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, ऑरिकल्स कहलाते हैं, लोअर जो चैम्बर हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं, तो वेंट्रिकल के लिए कहा जाता है ये सेंडिंग चैम्बर कहलाते हैं। दीज आर द सेंडिंग चैम्बर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सेंडिंग चैम्बर, ये ब्लड को भेजने का काम करते हैं। अब ब्लड कहाँ से भेजते हैं? ये जो है वो ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक, और बॉडी ऑर्गन्स से दोबारा हार्ट तक भेजने का काम करते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, अगर एट्रियम की बात करें, तो एट्रियम जो है वो रिसीविंग चैम्बर होते हैं, और ये ब्लड को रिसीव करते हैं लंग से हार्ट की तरफ, और दोबारा से बॉडी ऑर्गन से कहाँ तक? दोबारा से हार्ट में। तो मैं कह सकता हूँ कि एट्रियम जो है, या अट्रिया जो है, ये रिसीविंग चैम्बर है। क्या है? ये रिसीविंग चैम्बर है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये रिसीविंग का काम कर रहा है, और ये क्या करता है? ये सेंडिंग का काम करता है। अब इन दोनों के फंक्शन जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। लेफ्ट अट्रिया, ध्यान देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, राइट अट्रिया होता है, और राइट वेंट्रिकल होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले लेफ्ट अट्रिया की, या लेफ्ट ऑरिकल्स कह सकते हैं, लेफ्ट एट्रिया कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेफ्ट ऑरिकल जो है वो रिसीव करता है ब्लड को, रिसीव्स ब्लड, ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब लंग्स से रिसीव करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पोर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को रिसीव किया लंग्स से, और पोर कर दिया किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, जो कि कहाँ कर देता है ये वेंट्रिकल? क्या करेगा? विच पंप
विच पंप ब्लड टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। और इस टाइप का जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो लिख सकता हूं मैं कि दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद आगे की बात करूं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच जाता है बॉडी ऑर्गन्स में, वो दोबारा से कहाँ भेजा जाता है? हार्ट में भेजा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इज रिसीव्ड। इसके द्वारा रिसीव किया जाएगा कि रिसीविंग चैम्बर के द्वारा। रिसीविंग चैम्बर कौन सा है? यहाँ पर अट्रिया है। इज रिसीव्ड बाय द राइट ऑरिकल फ्रॉम वेयर, और राइट ऑरिकल से कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फ्रॉम वेयर इट पासेज टू द राइट वेंट्रिकल भेजा जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से दोबारा से ये पंप होकर कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स में वापस पहुँच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट पंप्स इनटू द लंग्स। और ये जो पूरा सर्कुलेशन है ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो मैं यहाँ लिख भी दूंगा दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये दो प्रकार के सर्कुलेशन आपकी बॉडी में होते हैं, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। हार्ट के बारे में हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया कि हार्ट में एक सर्कुलेशन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। हार्ट के हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा, हार्ट के साइज के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक और नए टॉपिक के साथ में आपके साथ होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।